टिकट्स के वजह से यार, हम लोग आप 15th के दिन ऑनलाइन में बुक कर रहे थे तो कैंसिलेशन हो गया है। यू हैव योर क्या बोलते हैं, 4 टिकटों को बुक करने का था, 4 टिकट के बाद उसके बाद बुक ही नहीं हो रहे, वो 4 टिकट भी बुक नहीं हो रहे, उसके बाद उन्होंने कमिंग सून बोल के लगा दी। अब वो नेक्स्ट कमिंग सून के बाद क्या होता है, डायरेक्ट सोल्ड आउट बोल के आ जाएगा। उसमें जो है 1000 रुपये के पूरे पवेलियंस बिक गए हैं, ऑलरेडी बिक गए, और यहाँ कोई रिस्पॉन्स देने वाला नहीं है, और समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है असली। अब इसमें कुछ स्कैम है नहीं क्या है नहीं, आप लोग अब किसी को दे दिए, पेटीएम के ऐप में आप देखिए, पेटीएम का ऐप है ये। अब आपको जो है देखिए यहाँ क्या बता रहा है, कमिंग सून बता रहा है, इसमें हम लोग जो कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है, बस बता दिया है, बस पब्लिक को बस ओवर है, सब पुकारना मीडिया से बात करना हमारा कोई शौक नहीं है, लेकिन बताइए ऑनलाइन में सोल्ड आउट बता रहा है, इसमें लैपटॉप सोल्ड आउट बता रहा है, सिस्टम पे देख रहे हो, इस पर देख रहे हो तो देखिए आप, कमिंग सून बता रहा है, इसका समझ में नहीं आ रहा इसका कुछ है। यहाँ काउंटर्स अगर लगाएंगे तो काउंटर्स में से हम ले सकते हैं आगे के से यार, हम लोग आप 15th के दिन ऑनलाइन में बुक कर रहे थे तो कैंसिलेशन हो गया है। यू हैव योर क्या बोलते हैं, 4 टिकटों को बुक करने का था, 4 टिकट के बाद उसके बाद बुक ही नहीं हो रहे, वो 4 टिकट भी बुक नहीं हो रहे, उसके बाद उन्होंने कमिंग सून बोल के लगा दी। अब नेक्स्ट कमिंग सून के बाद क्या होता है, डायरेक्ट सोल्ड आउट बोल के आ जाएगा। उसमें जो है 1000 रुपये के पूरे पवेलियंस बिक गए हैं, ऑलरेडी बिक गए, और यहाँ कोई रिस्पॉन्स देने वाला नहीं है, और कहीं तो भी स्टेडियम का काउंटर रहता है, हर जगह आप देखिए स्टेडियम का काउंटर रहता है। अब जैसा अब ये HCCL का जो है वो है अपना क्या बोलते हैं, वो है यहाँ भी कोई बोलने वाले पूछने वाले कोई नहीं। हम लोग अभी तक 20 बार आए, हम लोग तो 21st के दिन आओ बोले, सुबह से हम लोग 4-5 बार आके चले गए, कोई यहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं, गेट को ताला मार दिए, खत्म। ये मैच क्यों को लगाए, आप ये मैच कैंसिल कर दीजिए, पब्लिक जब ऑडियंस ही नहीं आएंगी, जब आपके लोग रिलेटेड लोगों को आप लिंक्स रहे तो आप लोग टिकट्स दे सकते हैं, 1000 की टिकट 4000 में जा रही, आपके वही चोरा है। हम लोग का फ्यूल, हम लोग जॉब्स को उसकी कुछ एक रीज़न बोल के जॉब बंद करके हम लोग यहाँ आ रहे हैं, हम लोग भी एम्प्लॉयज़ हैं, हम लोग भी हम लोग वो छोड़ के, और डिस्ट्रिक्टों से बाहर बाहर से आके आपको बता नहीं सकता, एपी से और तेलंगाना से हर जगह से आके सब जने मैच देखने के लिए, उतने फैंस उतने क्रेज है, आके यहाँ सो जा रहे, उन लोगों के लिए लोग रेस्पॉन्स नहीं दे सक रहे। आप जो भी है बोर्ड के प्रेसिडेंट है जो भी है, उनसे रिक्वेस्ट एक ही है, आप मैक्सिमम 50% टिकट्स तो भी ऑफलाइन करिए, 50% ऑनलाइन करिए, अब उन लोगों से कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं है। यहाँ हम मीडिया आ रही, सब आ रहे, मीडिया की भी बात सुन रहे, उनको कुछ वो नहीं हो रहा है। आप लोग जब टिकट दे रहे, जो मेन ऑडियंस है उनको नहीं देंगे तो फायदा क्या है, हम पैसे दे के पूछ रहे, हम फ्री में नहीं पूछ रहे। अब इसे क्रिकेट के फैंस ऐसे है, अगर वो स्टेडियम का कोई लेके अगर बेचेगा अभी तो वो 10,000 में बेचेगा तो भी लेंगे वहाँ से। अब वही अगर जो है बोर्ड अगर देगा तो उनको रीजनेबल रहेगा, जिसके कहने है वो देख सकता है, जिसके कहने नहीं है वो नहीं देखेगा। अब हम लोग 6 टिकट के लिए आए हैं, मेरा दोस्त है उनके बच्चे देखना चाह रहे, उसके लिए हम लोग इतना करें, अब उन्होंने प्रॉमिस करें, उन्होंने प्रॉमिस करें अपने बच्चे को दिखाएंगे बोल के, अब उसके लिए हम लोग अभी आके डेली जा रहे। अब वो क्या होगा लास्ट में, हम लोग बच्चों को हम लोग जवाब नहीं दे सकते, छोटे बच्चों की तरफ से तो आ रहा है, अब वो भी 3.5 ईयर्स के बाद मैच हुआ, इतने लोग देखिए, आप ही देखिए सब जने वेट कर रहे हैं मैच, अगर टिकट्स मिलेगा तो बहुत अच्छा है। कुछ हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो भी बोर्ड से सबसे, कुछ तो कुछ करिए, सब इतने फैंस है सबको टिकट्स मिलना चाहिए। भाई टिकट के लिए आए, पहले हैदराबाद में 3 साल के बाद मैच हो रहा, लॉकडाउन के बाद अभी मैच हो रहा, होने के बाद भी यहाँ पे टिकट अवेलेबल नहीं हो रही, यहाँ तक कि यहाँ पे ऐसा खाली हर जगह की प्रॉब्लम नहीं है, खाली अपने हैदराबाद में प्रॉब्लम हो रही है। लखनऊ में जो 6 अक्टूबर को इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका का मैच है उसकी टिकट ऑनलाइन अभी से अवेलेबल है, लेकिन जो आपने कहने 25th को परसों मैच रखे हैं अभी तक उसकी टिकट ऑनलाइन अभी तक रखी नहीं, आखिर करना क्या इसका, चारी का अगर इसका मतलब क्या, इसका परसों मैच रखे अभी तक ऑनलाइन नहीं रखे, फिर ऑफलाइन में यहाँ पर नहीं दे रहे, वो तो पब्लिक खरीदना कहाँ से टिकट, आखिर लेना कहाँ, ब्लैक में खरीदना, 1 का 10 करना, करना क्या आखिर। तो आप क्या डिमांड कर रहे हैं यहाँ के एसोसिएशन से, क्या डिमांड, यहाँ पर क्या है अथॉरिटीज़ को यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, पब्लिक के लिए टिकट अवेलेबल कराना चाहिए ऑनलाइन, जितना जल्द से जल्द हो ऑनलाइन टिकट अवेलेबल कराने चाहिए, और ऑफलाइन भी अभी स्टार्ट करना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है असली, अब इसमें कुछ स्कैम है नहीं क्या है नहीं, आप लोग अब किसी को दे दिए, पेटीएम के ऐप में आप देखिए, पेटीएम का ऐप है ये। अब आपको जो है देखिए यहाँ क्या बता रहा है, कमिंग सून बता रहा है, इसमें हम लोग जो कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है, बस बता दिया है, बस पब्लिक को बस ओवर है, हम इतनी दूर आके हम लोग सब पुकारना मीडिया से बात करना हमारा कोई शौक नहीं है, लेकिन बताइए ऑनलाइन में सोल्ड आउट बता रहा है, इसमें लैपटॉप सोल्ड आउट बता रहा है, सिस्टम पे देख रहे तो इसमें देख रहे हो तो देखिए आप, कमिंग सून बता रहा है, इसका समझ में नहीं आ रहा इसका कुछ है। यहाँ काउंटर्स अगर लगाएंगे तो काउंटर्स में से हम ले सकते आगे, यहाँ पर क्या है अथॉरिटीज़ को यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, पब्लिक के लिए टिकट अवेलेबल कराना चाहिए ऑनलाइन, जितना जल्द से जल्द हो ऑनलाइन टिकट अवेलेबल कराने चाहिए, और ऑफलाइन भी अभी स्टार्ट करना चाहिए। आई हैव चेक पेटीएम इनसाइडर सेवरल टाइम्स बट द टिकट्स आर नॉट अवेलेबल, सो आई एम हेयर टू बाई टिकट्स इन द काउंटर।
Right. So what is the authority saying? No response from the authorities till now. So that's why we are waiting. The match is going to be held in Hyderabad. Yeah. So as a spectator, how do you feel now that the situation has arisen in Hyderabad? We are excited to watch the match live, but we didn't get the tickets or any information till now. Hyderabad Cricket Association is held should take the responsibility for the situation, because since last 2 years no match have happened in Rajiv Gandhi Cricket Stadium, so fans are excited to watch cricketers and the live action in the stadium. But the Hyderabad Cricket Association's behavior towards the tickets is not right. They should. Some of the authorities should come and address the fans right. regarding the ticket issue of the tickets. Right.